हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो हम लघु उत्तरीय, ठीक है ना, लघु उत्तरीय जो सब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, तो बाबू उसका यह जो वीडियो होने वाला है वह पार्ट टू होने वाला है, जो कि पार्ट वन हमने कल करा दिया था और उसी टाइम पे बाबू यह पार्ट टू होने वाला, ठीक है ना। पार्ट वन ऑलरेडी आपका हो चुका है, यदि आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और यह सॉरी बाबू, यह वीडियो जो होने वाला है यह कौन सा होने वाला है? पार्ट टू होने वाला है, तो आप एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। पार्ट वन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर पांच तक, ठीक है ना, डिस्कस हम लोग किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर पांच से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक, जितना भी होगा आगे 10, 11, 12, जितना भी हम लिखे होंगे आज उतना तक हम लोग देखेंगे इस वीडियो में पार्ट टू में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, जो 6 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा लॉजिक से आप सीखिएगा कि कैसे आखिर बनाना है। तो सबसे पहले एक बार को देखिए, क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा आपके माइंड में कुछ टेक्निक इधर उधर आने लगता है कि हाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखिए क्या दिया है कि आपका दिया है टेन इनवर्स, ठीक है ना, और 1/2 दिया है, प्लस टेन इनवर्स 1/4 दिया हुआ है और बोला है कि इसका वैल्यू बताइए, ठीक है। तो आपको एक हम फॉर्मूला यहाँ पे दिखा रहे हैं, आपको तुरंत याद आ जाएगा। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स आप प्लस आपका क्या होता है, टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स आप प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा भली भांति कि क्या होता है, एक्स प्लस वाई आ बाटा में क्या होता है, 1 माइनस का एक्स वाई, यही ना होता है। तो अब यहाँ से देखिए, जो आपका यह 1/2 है बाबू, इसको आप एक्स मान लीजिए, ठीक है ना। जो आप यहाँ पे 1/4 देख रहे हैं इसको क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो देख रहे हैं ना, सेम टू सेम डी टू, एकदम सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो अप्लाई हो रहा है तो यहाँ अप्लाई कर दीजिए, टेन इनवर्स हो गया ना, क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो यानी 1/2 होगा, अब प्लस का क्या होगा, 1/4 होगा, फिर क्या है, यहाँ नीचे बाटा है, 1 माइनस xy गुना में है, तो यानी 1/2 आ गुना क्या हो जाएगा, 1/2 आपका क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए टेन इनवर्स 1/2 और 1/4, देखिए जो ऊपर वाला है ना इसको हम लोग लघुतम लेते हैं, तो नीचे 4 लघुतम हो जाएगा, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ 2 गुना में आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 लिखा जाएगा, 4 एक बार में जाएगा, तो यहाँ 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। आ यहाँ देखिए 4 दुनी 8 और -1 और बटा में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आपको जोड़ घटावाना चाहिए। तो अब देखिए इतना तो हो गया ना, इतना करने के बाद देखिए अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं। ऊपर 2 और 1 3, तो 3/2 कितना हो जाएगा, 4, और नीचे कितना, 8 में से 1 गया, 7/8, इतना हो गया ना। अब इतना करने के बाद देखिए इस साइड हम देखते हैं, टेन इनवर्स देखिए 3/4 है, तो 3/4 को हम यहाँ लिख दिए हैं, और नीचे देखिए, नीचे देखिए क्या है, यहाँ पे 7/8 है ना, 7/8 है, तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। तो 4 से कटेगा 8 को बार में, 2 बार में कटेगा ना, 2 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 बटा में कितना हो जाएगा, 7, तो आपका टेन इनवर्स 6/7 आपका राइट आंसर बाबू हो जाएगा, ठीक है ना। देख रहे हैं कितना बारीकी से, कितना अच्छे से आपको हम यहाँ समझा रहे हैं कि हाँ बाबू स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। अब बाबू इसका पीडीएफ यदि आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है ना, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का बाबू नाम है मिशन डिफेंस,
ठीक है ना, मिशन डिफेंस आप लोग सर्च कीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को एक चैनल मिलेगा टेलीग्राम का, उसी में आज बाबू इसका हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। मिशन डिफेंस पे जाके आप लोग जुड़ जाइए। 6 नंबर हो गया, आइए 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना बाबू, यह भी देखिए क्वेश्चन अपने आप में बाबू अजूबा है, ठीक है ना, अजूबा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम इस क्वेश्चन को अजूबा काहे कह रहे हैं, बाबू बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। वीवीआई देखिए कहने का मतलब है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में देखिए यह सवाल दो टाइप में बनता है, ठीक है ना, दो टाइप बनता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव में भी बनता है और आपका एक यह सब्जेक्टिव में भी बनता है। तो यह क्वेश्चन दो में बनता है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव तो आपका 1 नंबर का होगा, और सब्जेक्टिव में बनता है ना तो 2 मार्क्स का बनता है, ठीक है ना, 2 मार्क्स में ही आपका बनता है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले एक आपको यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखवाते हैं। देखिए सेक इनवर्स माइनस एक्स का आपको एक फॉर्मूला हम लिखवाए थे, ठीक है ना, सेक इनवर्स माइनस एक्स का हम आपको एक फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, हम आपको यह फॉर्मूला लिखवाए थे, ठीक है ना। यह फॉर्मूला देखिए हम 3 गो में लिखवाए थे, कॉस इनवर्स में माइनस आ जाए, ठीक है ना, आ नहीं तो सेक इनवर्स में माइनस आ जाए, और नहीं तो आपका कोट इनवर्स में माइनस आ जाता है, ठीक है ना। तीनों में यदि आपका माइनस आता है तो बाबू पाई में से घटता है, याद रखिएगा, कॉस सेक कोट तीनों में माइनस आता है तो पाई में से 100% आपका क्या होगा, घटेगा। तो टेन इनवर्स √3 है, तो टेन इनवर्स √3, तो टेन में √3 मान कितना का होता है जी, 60 का, और 60 को कितना लिखते हैं, पाई बटा में हम लोग 3 लिखते हैं, माइनस सेक इनवर्स -2, तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। अब देखिए पाई बटा में यहाँ हम 3 लिख दिए हैं, माइनस का पाई हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो आपका क्या हो गया, सेक इनवर्स आपका क्या हो गया, 2 हो गया ना। तो अब यहाँ आगे देखिए पाई बटा में 3, माइनस का क्या हो गया पाई, और सेक इनवर्स 2, यानी सेक में 2 कितना का मान होता है आप लोगों को बताना है। देखिए तो सेक का उल्टा जाइए तो कॉस में, तो कॉस में 1/2, तो कॉस में 1/2 कितना का होता है, 60 का होता है, तो सेक इनवर्स 2 का भी मान कितना का होगा, 60 का होगा, तो 60 को हम यहाँ कितना लिखते हैं, पाई बटा में 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम लोग लघुत्तम ले लेते हैं, 3 लघुत्तम हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा एक बार में, तो यहाँ पाई आएगा, यहाँ बाटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ये पूरा आपका 3 पाई हो जाएगा, अब प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो पाई या पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 2 पाई, और माइनस का 3 पाई, या बाटा में कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3। तो फाइनली जो आपका राइट आंसर आएगा वह माइनस का पाई बाटा में 3 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा कितना, माइनस का पाई बटा में 3। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। देखिए फिर आ गया ना, हम यहाँ बोले थे कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है किसका, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का, क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ना, कितना होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। चलिए बनाते हैं, देखिए तो यहाँ टेन इनवर्स √3 है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, पाई माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स √3 माइनस का पाई, अब प्लस का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स √3 हो
गया ना। तो अब देखिए, चूंकि आप लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स और प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, पाई बटा में 2 होता है ना। तो आपको दिखा रहे हैं, यह क्या है आपका टेन इनवर्स एक्स, आ यहाँ पे यह क्या है आपका कोट इनवर्स एक्स, इसका मान हम कितना लिख दे रहे हैं, पाई बटा में 2 माइनस का पाई, जोड़ घटाव कर लीजिए, 2 आपका यहाँ हो जाएगा, तो पाई माइनस का कितना हो गया 2 पाई। पूरा आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का पाई बटा में आपका कितना हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख रहे हैं ना, कितना आसानी से बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। इस तरह के क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, बार बार हम बोल रहे हैं, इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चलिए देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बाहर साइन है तो बाहर हम साइन लिख दे रहे हैं। अब देखिए, पाई बटा में 3 माइनस, अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स रहता है बाबू, ठीक है ना। तो साइन में यदि माइनस रहता है ना तो वो बाहर ही आ जाता है, ज्यों का त्यों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो आपको माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखना है। तो अब देखिए, माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बटा में आपका 2 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए, साइन पाई बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए, साइन पाई बटा में 3 और प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो साइन में 1/2 कितना का मान होता है बताइए, साइन में 1/2 कितना का मान होता है, 30 का होता है, और 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बटा में 6 लिख सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ से देखिए, पाई बटा में 3 कितना है, 60 है, ठीक है ना। देखिए पाई बटा में जो आप 3 देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं 60 डिग्री, ठीक है। अब पाई बटा में जो आप 6 देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग 30 डिग्री। तो 60 और 30 कितना होता है, 90। तो 90 को कितना लिख सकते हैं, पाई बटा में 2, ठीक है। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 बन गया। देख रहे ना कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बाबू यह क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में तो कम चांस है, लेकिन सब्जेक्टिव में देखिए बाबू, सब्जेक्टिव में या तो 2 नंबर में आएगा और नहीं तो 5 नंबर में, ऐसा सवाल कभी आ जाता है 5 नंबर में, ठीक है ना। लेकिन 2 नंबर में तो 100% आपका आएगा ही आएगा, और ज्यादा खुश होगा तो आपको 5 नंबर में भी दे सकता है। देखिए इसके लिए क्वेश्चन का सबसे पहले लॉजिक समझिएगा कि बनाएंगे कैसे। बाहर आप क्या देख रहे हैं, क्या लगा है, 10 लगा है, अंदर क्या है, साइन चल रहा है, कॉट चल रहा है। तो देखिए जो यहाँ बाहर होगा, जो यहाँ बाहर होगा, अंदर वाले को उसी फॉर्मेट में चेंज कर देना है, मतलब कि जैसा बाहरी है ना वैसा अंदर भी हम लोगों को बना देना है। यानी बाहरी क्या है, टेन, तो अंदर वाले यानी साइन इनवर्स को भी किसमें बनाना है, टेन में, कॉट इनवर्स एक्स को भी किसमें बनाना है, टेन इनवर्स में, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है आपका कि बाहर चल रहा है टेन, तो इस साइन इनवर्स एक्स को भी आपको किसमें चेंज करना है, टेन इनवर्स में, कोट इनवर्स एक्स को भी किसमें चेंज करना है, टेन इनवर्स में, ठीक है। चलिए देखिए हम यहाँ लिखते हैं कि आपको दिया है साइन इनवर्स 3/2 में क्या दिया है, 5 दिया है, आ इधर लिख रहे हैं कि आपका क्या दिया है, कोट इनवर्स 3/2 में क्या है, 2 दिया है। तो इसको आप मान लीजिए कि आपको साइन में क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यह लंब दिया है, यह क्या दिया है, कर्ण दिया है। तो लंब कर्ण दिया है तो आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, आधार निकाल लीजिए। आधार कैसे निकलता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, 5
25 माइनस का 9, तो 25 में से 9 गया कितना हो गया 16, 16 का कितना निकलेगा 4, ठीक है। आ यहाँ देखिए कि जो कोट इनवर्स एक्स होता है वो टेन में उल्टा होता है, टेन इनवर्स इसको 1/(x) एक्स हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग बनाते हैं, यहाँ क्या है टेन है, साइन इनवर्स को आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखिए टेन इनवर्स, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार, तो लंब आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ आप 3 लिख लीजिए, आधार कितना आया है 4 आया है, आप प्लस टेन इनवर्स इसका मानवा का उल्टा कर दीजिए, 3/2 है ना, उल्टा कर दीजिएगा ना तो टेन में आपका मान आ जाता है 2/3 आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से आप लोग क्या कीजिए ना कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो टेन इनवर्स यहाँ से आपका 3/4 हो जाएगा और प्लस आपका 2/3 हो जाएगा, 1 माइनस आपका 3/4 गुना क्या हो जाएगा 2/3 आपका यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आगे कैसे बनेगा टेन, टेन इनवर्स लघुतम लीजिएगा तो यहाँ पर लघुतम 12 हो जाएगा, 4 से कटेगा 3 बार में तो 3 3 के 9, 3 से कटेगा 4 बार में तो यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 12 माइनस का 6 और बटा में क्या हो जाएगा 12, तो 12 से 12 कटेगा। अब यहाँ देखिए टेन, यहाँ टेन इनवर्स 9 और 8 कितना होता है 17, 12 में से 6 हो गया 6, तो टेन टेन इनवर्स एक्स क्या होता है टेन, और टेन इनवर्स एक्स क्या होता है एक्स होता है, यानी आपका क्या हो जाएगा 17/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। यह क्वेश्चन बाबू जानते हैं 99% चांस है कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, 99% आपका चांस है इस क्वेश्चन का आना बनता है अब की बार, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इसके आगे, ठीक है ना, 10 से आगे, और अगले सेशन में देखिए 10 ले आगे यानी और हम लोग इसमें 5 से 10 क्वेश्चन देखेंगे, आ इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का चालू कर देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 3 में।